वेलकम टू जगत जीएस क्लासेस, स्वागत है आप सभी का। ये यूपी पीसीएस 2020 को लेके सीरीज है पूरी की पूरी, और आज हम यूके पीसीएस उत्तराखंड पीसीएस 2014 के जितने भी हिस्ट्री क्वेश्चन हैं सारे सॉल्व करेंगे। अब चाहिए प्लेलिस्ट में जगत जीएस चैनल की, वहाँ पे आपको सारे स्टेट पीसीएस जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम हुए हैं सबके हिस्ट्री के क्वेश्चन एक साथ मिल जाएंगे आपको विद डिटेल्स, समझने के लिए रिवीजन करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। आप चाहिए वहाँ जाके देखिए। चलिए शुरू करते हैं। भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेख साक्ष्य है कौन सा? तो भागवत धर्म का बेस नगर का गरुड़ स्तंभ। डिटेल देख लेते हैं इसकी। ब्राह्मण धर्म के जटिल कर्मकांड व यज्ञ व्यवस्था के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप भागवत धर्म का उदय हुआ। इस धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास उपनिषदों में मिलता है। वासुदेव कृष्ण के भक्त या उपासक भागवत कहलाते थे, याद रखिए आप, ठीक है। भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेख साक्ष्य बेस नगर का गरुड़ स्तंभ है। हिंद यवन शासक एंटलियाकिड्स ने हेलियोडोरस को भागभद्र के दरबार में भेजा था, जिसने बेस नगर के गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। इस स्तंभ पर दंभ, त्याग, अप्रमाद तीन शब्द अंकित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पिन्हाओ किस हिंद यवन शासक को प्रकाश डालता? तो मिनेंडर पे। डिटेल देख लेते हैं इसकी। मिनेंडर एक प्रसिद्ध हिंद यवन शासक था जो बौद्ध साहित्य में मिलिंद के नाम से प्रसिद्ध है। उसने एक बौद्ध भिक्षु नागसेन किस धर्म को मानता था? बौद्ध को। सात वाद विवाद किया जो मिलिंद पन्हाओ नामक कृति में संकलित है। इसकी राजधानी साकल सियालकोट, शिक्षा और व्यापार प्रसिद्ध केंद्र थी। इसने गंगा यमुना दोआब पर भी आक्रमण किया। मिनांडर के सिक्कों पर धर्मचक्र, हाथी के चित्र, धार्मिक शब्द मिलते हैं। देखिए हर पूछा जाता है जितने भी क्वेश्चन होते हैं, किसकी आकृति होती है, क्या नहीं होता है, क्या होता है, ठीक है। सिनकोट अभिलेख भी मिनांडर का वर्णन करता है। पेरिप्लस ऑफ इडिथ्रीन सी के अनुसार मिनांडर के सिक्के भड़ोज के बाजारों में खूब चलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद। चार वेद हैं, सबसे पुराना ऋग्वेद ही है। तो सर्वप्रथम ऋग्वेद के दसवें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में चार वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। इसमें चारों वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई गई है। प्रारंभ में वर्ण शब्द रंग का घोतक हुआ करता था, तथा आर्य मूल निवासियों से अपने को पृथक दर्शाने के लिए शब्द का प्रयोग करते थे। ऋग्वैदिक काल के उत्तरार्ध में वर्ण कर्म का भी व्यंजक हो गया। ऋग्वेद में आर्य वर्ण एवं दास वर्ण का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्रम पर आधारित ना होकर जाति आधारित हो गया, तथा वर्ण में कठोरता आने लगी थी। नेक्स्ट देखते हैं। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कारण नहीं था? तो हुन आक्रमण हुआ, बिल्कुल। प्रशासन में सामंती ढांचा, उत्तर पूर्वी गुप्त का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, तो अरब आक्रमण नहीं था। गुप्त साम्राज्य के पतन के निम्नलिखित कारण कौन से थे? तीन थे, हुन आक्रमण था, प्रशासन पर सामंती ढांचा था, और उत्तर पूर्वी गुप्तों पर बौद्ध धर्म स्वीकार करना था। डिटेल देख लेते हैं। गुप्तों का शासन चौथी शताब्दी के प्रारंभिक दशक में शुरू होता है, तथा छठी शताब्दी के मध्य तक समाप्त हो जाता है। भारत में अरबों ने सर्वप्रथम 712 ईस्वी में आक्रमण किया। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के शासक दाहिर को परास्त किया, और अरबों ने भारतीयों के जगजीवन को काफ़ी प्रभावित किया और स्वयं भी प्रभावित हुए। अरब द्वारा प्रारंभ किए गए कार्य को बाद में तुर्कों ने पूरा किया। अरब भारत में मुसलमान आक्रमणकारी थे। नेक्स्ट। दिल्ली सल्तनत के प्रभाव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण सर्वप्रथम प्रचलन किया गया था? तो अकबर। डिटेल देख लेते हैं। 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध
1526 में लोधी शासक इब्राहिम लोधी का बाबर के हाथों पराजित होने के साथ ही दिल्ली सल्तनत का प्रभाव हो गया। बाबर ने शासक बनने के पश्चात चांदी का सिक्का चलाया हुमायूं को सिक्का चलाने का अवसर नहीं मिल पाया। शेरशाह ने शुद्ध चांदी का सिक्का चलाया जिसे रुपा कहा जाता था, तथा तांबे का सिक्का चलाया। मुगल कालीन मुद्रा को एक सुव्यवस्थित व्यापक आधार अकबर ने दिया। अकबर ने शासनकाल के प्रारंभ में मोहर नामक सोने का सिक्का चलाया था जो मुगल काल का सबसे अधिक प्रचलित सिक्का भी था। नेक्स्ट निम्नलिखित का मिलान कीजिए, इनका गुम्बद और किसने क्या क्या बनवाया। चलिए इसकी डिटेल देख लेते हैं। तो बलबन का मकबरा शुद्ध इस्लामी पद्धति द्वारा निर्मित भारत का पहला मकबरा है। सिकंदर लोधी के समय एक नई शैली की शुरुआत हुई जिसमें गुम्बद के स्थान पर दो गुम्बद का निर्माण होता था। लोधी काल के मकबरों को लोधी काल को मकबरों का काल भी कहा जाता था। बीजापुर वास्तुशिल्प में गुम्बद आवर्तिकार होते थे तो छज्जे का चलन था। मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा गोल गुम्बद विश्व प्रसिद्ध है। शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। सासाराम कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सही मिला के देख लेना आप इसको। कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? स्वर्ण महल, पांच महल, चौथाबाई का महल, अकबरी महल। तो स्टार है क्वेश्चन में, देखते हैं पूरी डिटेल्स की। अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। किसकी स्मृति में? गुजरात की। यहाँ अनेक भव्य इमारतों का निर्माण कराया गया था। इनमें पंच महल था, जोधाबाई का महल था, मरियम का महल था, बीरबल का महल था, शेख सलीम की दरगाह थी, बुलंद दरवाजा आदि प्रमुख थे। अकबरी महल का निर्माण शाहजहाँ सलीम ने करा आगरा में कराया था जिसमें गुम्बद का प्रयोग नहीं किया गया था। महात्मा गांधी से संबंधित निम्नलिखित आश्रम से कौन सा सबसे पुराना आश्रम है? तो फिनिक्स आश्रम है। डिटेल देख लेते हैं इसकी। गांधी जी ने 1893 में पहली बार गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का मुकदमा लड़ने दक्षिण अफ्रीका गए। वहाँ उन्होंने नटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया। बहुत बार एग्जाम में पूछा, बताइए नटाल कांग्रेस का गठन किसने किया, कहाँ किया गया? और इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। देखिए इंडियन ओपिनियन अखबार महात्मा गांधी का था। जहाँ से इंडियन ओपिनियन निकलता था उस जगह का नाम फिनिक्स आश्रम था जो वर्ष 1904 में अस्तित्व में आया था। यदि उद्यमी सादगी मर्यादा और सत्याग्रह के प्रथम प्रयोग हुए दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने टोलस्टॉय फार्म की स्थापना भी की थी। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप देखें ध्यान से, पढ़ें इनको, वीडियो को 2 से 3 बार देखें ताकि आपका रिवीजन अच्छा हो। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलिजा इम्फे। डिटेल देखते हैं इसकी। वॉरेन हेस्टिंग्स में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। देखिए एक्ट कौन सा था? 1773। स्थापना कब हुई सुप्रीम कोर्ट की? 1774 में। किस एक्ट के तहत हुई? 1773 में। किस साल हुई? 1774 में हुई, ठीक है। जिसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्फे थे। अन्य 3 न्यायाधीश लैमिस्टर चैम्बर्स हाइड थे। इसका कार्य क्षेत्र कलकत्ता नगर के नागरी तक ही सीमित था। इसके बाहर के मामलों की सुनवाई तभी हो सकती जब दोनों पक्ष इसके लिए तैयार हों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नील दर्पण के लेखक कौन थे? सबको पता है दीनबंधु मित्र। तो नील, डिटेल देख लेते हैं। दीनबंधु मित्र के नील दर्पण की खेती करने वाले किसानों की पीड़ा को अभिव्यक्ति हुई है। नील विद्रोह 1859 और 60 के संभवतः प्रथम कृषक आंदोलन माना जाता जो बंगाल में हुआ। नील आंदोलन नील उत्पादन किसानों पर उनके मालिकों द्वारा किए गए अत्याचारों के विरुद्ध स्वरूप हुआ था। किसानों के समर्थन में शिशिर कुमार घोष, दीनबंधु मित्र, हरिश्चंद्र मुखोपाध्याय, खेरन जेम्स लांग आदि लेखों ने लिखे थे। नेक्स्ट, अजीमुल्ला खां सलाहकार थे किसके? नाना साहब के। तो अजीमुल्ला खां नाना साहब के सलाहकार थे। ऐसा माना जाता है कि अजीमुल्ला खां तथा सतारा के अपदस्थ राजा के निकटवर्ती रणोजी बापू ने लंदन में 1857 के विद्रोह की योजना बनाई थी। अजीमुल्ला ने बिटूर जो कानपुर में है नाना साहब के साथ मिलकर विद्रोह की योजना को अंतिम रूप देते हुए 31 मई 1857 को क्रांति का दिन निश्चित किया। क्रांति के प्रतीक के रूप में कमल और रोटी को चुना गया था। नेक्स्ट, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबाराव फुले। सत्यशोधक समाज स्थापना ज्योतिबाराव फुले ने 1873 में
की थी महाराष्ट्र में। यह आंदोलन दलित और निम्न जाति के लोगों को कल्याण के लिए चलाया गया था। ज्योतिराव फुले ने गुलामगिरी सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक की रचना की। पुस्तकों और संगठनों के माध्यम से ही निम्न जातियों पाखंडी ब्राह्मणों उनके अवसरवाद धर्म ग्रंथों से उनसे आज़ादी दिलाने की आवश्यकता पर जोर दिया। मुजफ्फर अहमद एस ए डांगे शौकत उस्मानी नलानी गुप्ता किन षडयंत्र कैद में किए गए थे? तो कानपुर वैश्विक सड़क कांड में किए गए थे। भारत में साम्यवादी पार्टी की स्थापना की दिशा में प्रयासरत नेताओं ने नेताओं में सरकार ने गिरफ्तारी कर उन पर कानपुर षडयंत्र केस के अंतर्गत मुकदमा चलाया। इन पर सरकार के विरुद्ध षडयंत्र रचने, क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने, भारत में सामंगी सत्ता को खाड़ने का आरोप लगाकर मुकदमा चलाया गया। और मई 1924 में कानपुर में श्रीपाद अमर डांगे, मुजफ्फर अहमद निलानी गुप्ता तथा शौकत उस्मान को कानपुर बलेश्विक षडयंत्र कांड में 4 साल के लिए जेल भेज दिया गया। ये यूके उत्तराखंड पीसीएस के सारे हिस्ट्री क्वेश्चन थे, यूके पीसीएस के हिस्ट्री। ठीक है, आप वीडियो को कम से कम 2 बार देखें, रिवीजन ज़रूर करें। किसी भी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी परीक्षा के लिए रिवीजन सबसे महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपना कीमती वक्त निकाल के सुना।